हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खुशी हैप्पी ब्लॉग। फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ नागपुर का मशहूर चना पोहा। पोहा आपने ये फ्रेंड्स कई तरह से खाया होगा, लेकिन आज हम बनाने जा रहे तड़ी वाले पोहे। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने सबसे पहले साबुत चना लिया है, जिसे ओवरनाइट भिगो के रख दिया था मैंने। और फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पे चने को अच्छे से धो लिया है और कुकर में थोड़ी सी पानी डाल के 5 से 6 सीटी लगा देना है। अब फ्रेंड्स, सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ मसाले लूँगी। अब तो मसाले में मैंने लिया है लाल मिर्च। ये जो लाल मिर्च है फ्रेंड्स, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, आप इसका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, और थोड़ी सी लहसुन और थोड़ी सी अदरक। फ्रेंड्स, अगर आप कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ करते हैं सब्ज़ी बनाने में, तो एक बहुत ही अच्छा कलर आ जाता है सब्ज़ी में। तो फ्रेंड्स, यही तीनों मसाले जो है वो मिक्सी में मैं अच्छे से इसका पेस्ट बना लूँगी, बाकी मसाले मैं पाउडर डालूँगी। और फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक प्लेट में बारीक प्याज काट लिए हैं, 3 से 4 प्याज होंगे, लाल मिर्च लिया है, करी पत्ता लिया है, और गरम मसाले में तेज पत्ता है, लौंग है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, गोल मिर्च, और यहाँ पे टमाटर काट लिए हैं। टमाटर फ्रेंड्स थोड़े से बड़े बड़े साइज़ के काटने हैं, और यहाँ पर हींग लिया है, और ये जो लहसुन अदरक और लाल मिर्च का पेस्ट था वो भी मैंने तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अब सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बड़ा सा एक पतीला लिया है, उसमें तेल डाल दिया है, तेल गर्म होने के बाद थोड़ा सा सरसों का दाना डाल दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स, जीरा, लाल मिर्च और जितने भी गर्म मसाले मैंने लिए थे, खड़े गर्म मसाले, लौंग, इलायची, तेज़पत्ता, वो डाल के थोड़ी सी फ्राई कर लूँगी। उसके बाद फ्रेंड्स, हींग डाल देना है। हींग डालने के बाद प्याज जो मैंने काट के रखे थे वो डाल देना है, और प्याज जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो उसके बाद करी पत्ता थोड़े से क्रश करके डाल देना है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो फ्रेंड्स, प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। उसके बाद मैंने मसाले कुछ लिए हैं, तो मसाले में लिया है मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, टमाटर, और ये जो मैंने पेस्ट बना के रखे थे लहसुन अदरक और मिर्च के, वो पेस्ट मैं डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मसाले जो है वो अच्छे से भुन गए हैं। उसके बाद मैंने कसूरी मेथी डाल दिया है, उसके बाद चना जो बॉयल करके रखा था वो डाल के और पानी डाल देना है। और फ्रेंड्स, चना जो मैंने बॉयल किया था उसका पानी मैंने फेंका नहीं है, उसी को मैंने ग्रेवी के लिए डाला है।
यहाँ पानी डालने के बाद मैंने यहाँ पे धनिया पत्ता और नमक डाल दिया। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है। तो फ्रेंड्स अब सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो अब मैं जा रही पोहा बनाने। तो पोहा के लिए मैंने यहाँ पे लिया है प्याज, प्याज बारीक काट लिए हैं, 3 से 4 प्याज होंगे, कड़ी पत्ता, नींबू, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, टमाटर, मूंगफली और पोहा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं यहाँ पे मूंगफली फ्राई करूँगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरी यहाँ पे मूंगफली जो है फ्राई हो गई है। फिर उसी कढ़ाई में मैं यहाँ पे थोड़ी सी तेल डाल दी हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे सरसों के दाने, जीरा और हरी मिर्च, करी पत्ता, प्याज सबको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया है टमाटर और कुछ मसाले। मसाले में मैंने लिया है यहाँ पे हल्दी पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली पाउडर, बस यही मसाले यूज़ करूँगी पोहा के लिए। मसाला मेरे यहाँ फ्राई हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे पोहा जो मैंने अच्छे से पानी से धो लिया था उसको डाल दूँगी और नमक डाल दूँगी। नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर दूँगी। फ्रेंड्स पोहा बनाना बहुत ही आसान है। फ्रेंड्स पोहा बनने के बाद मैंने यहाँ पे नींबू का रस डाल दूँगी। नींबू का रस को मैंने अच्छे से उसका बीज निकाल दिया है और धनिया पत्ता डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ तरी वाले पोहे बनके तैयार है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है। आप इसे घर में ज़रूर बना के ट्राई करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर अगले दिन एक नया व्लॉग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।